हेलो दोस्तों, जय हिंद। सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप पर पहुंचे दोस्तों। जैसे दोस्तों कि अब पेट्रिक ख़त्म हो गया है, सीबीटी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया दोस्तों, तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों कि सीबीटी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं। क्यों? बच्चे पढ़ नहीं रहे दोस्तों। तो आप लोग हमारे सर्च करो चैनल को, सैनिक आईटीआई, कहाँ पर करेंगे? यूट्यूब पर। वहाँ पर आएगा होम पेज, फिर आएगा प्लेलिस्ट आएगा, तो वहाँ पर जाएंगे दोस्तों, तो आपको जो है सेकेंड ईयर की इम्प्लायबिलिटी सेकेंड ईयर, वर्कशॉप कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर, फिटर सेकेंड ईयर, तो उसमें आपको वीडियो मिलेगी। आप लोग उस वहाँ से पढ़िए, ठीक दोस्तों, अगर पास होना है तो। क्यों कि हम लोग लगातार पढ़ा रहे हैं आप लोग को। अभी मार्च से आपको वीडियो मिलेगी दोस्तों। जो आज मैंने पढ़ाया था कल, वर्कशॉप कंप्यूटर साइंस का सेकेंड ईयर के लिए पार्ट वन था दोस्तों, तो आज आपको मिलेगा पार्ट टू, 21 से 40 तक। कितना? 21 से 40 दोस्तों। पढ़ लीजिए, एकदम हिंदी में क्वेश्चन बनाया हूँ, गारंटी हमारी है आप लोग पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे। और मैं पहले लिख दिया थंबनेल पर, अगर इसमें से नहीं आएगा सीरीज में से, तो मैं आपका चैनल बंद कर दूंगा अपना और फीस आपको मैं भरूंगा दोस्तों। पढ़िए आप लोग, चलते आगे। मेरा देखिए क्वेश्चन है 21, स्नेहन प्रणाली का नाम क्या है? क्या पूछ रहा है? स्नेहन प्रणाली का नाम क्या है? इसका ऑप्शन पहला ए है आयल कफ, बी है विक फीड, सी है मैनुअल स्क्रू डाउन, डी है रिंग आयलिंग। दोस्तों का सही आंसर है बी, विक फीड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। मशीन के पुर्जों में घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बोल रहा है कि जो मशीन के पुर्जे, जब चलती मशीन जो पुर्जे हैं उसमें घर्षण मतलब कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मतलब किस तेल का? नंबर में पहला ए मिट्टी का तेल, बी है पेट्रोल, सी है पानी और डी है स्नेहक। तो दोस्तों राइट आंसर डी होगा, स्नेहक। हम लोग मशीन के पुर्जों में घर्षण कम करने के लिए स्नेहक का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर, इंजन के चलने वाले, इंजन क्या बोला? इंजन के चलने वाले भागों में स्नेहक तेल का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? पहला ए दक्षता बढ़ाने के लिए, बी घर्षण को कम करने के लिए, सी वाहन क्षमता में सुधार करने के लिए, डी स्थायित्व में सुधार करने के लिए। दोस्तों राइट आंसर है बी, घर्षण को कम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं 24, कितना 24 नंबर, सही कथन कौन सा है? जो लिखा गया इसमें है कथन कौन सा सही है? ए है स्नेहक जंग को रोकने का काम करता है, स्नेहक एक मुहर के रूप में कार्य करता है, स्नेहक ईंधन के रूप में कार्य करता है, डी स्नेहक एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है। दोस्तों राइट आंसर ए है, स्नेहक जंग को रोकने का काम करता है, जंग मतलब मोर्चा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। स्नेहन बनाए रखने से मशीन की दक्षता का क्या कारण है? ऑप्शन ए बढ़ती है, बी घटता है, सी वही रहता है, डी प्रभावित नहीं है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, जो हमारी स्नेहन बनाए रखने से मशीन की जो दक्षता जो है बढ़ती है, क्या करती है? बढ़ती है। आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, कितना 26 नंबर, स्नेहन के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? बोल रहा है स्नेहन के लिए सबसे अच्छा उपकरण का नाम क्या है? ऑप्शन ए है आयल केन, बी है स्वचालित हाइड्रोलिक टाइप प्रेशर गन, सी है T100 प्रेशर गन, डी है प्रेशर गिस गन। तो इसका सबसे अच्छा जो है उपकरण क्या है? टी हैंडल प्रेशर गन। ठीक दोस्तों, समझ गया है? दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर, स्नेहन के किस सिद्धांत को नियोजित किया जा सकता है? पहला ए है प्रेशर फिट प्रणाली, बी स्प्लेस फिट सिस्टम, सी ग्रेविटी फिट सिस्टम, डी फोर्स फिट सिस्टम।
तो हम लोग क्या करते हैं, संज्ञान को ग्रेविटी फिक्स सिस्टम से नियोजित किया जाता है। दोस्तों हम लोग बढ़िया से पढ़िए इसको, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, अब बहुत टाइम कम रह गया है, परीक्षाएं स्टार्ट हो गई हैं, तो हम लोग पढ़ लीजिए इसको, अगर पास होना है दोस्तों तब, नहीं होना पास मत पढ़िए, क्यों तो जुगाड़ खोज रहे हैं, कोई जुगाड़ नहीं। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ना पड़ेगा, पास होना है तो नौकरी करनी है आपको, क्यों लगातार वैकेंसी आ रही है, बच्चे फेल हो रहे हैं, सीबीट एग्जाम हो गया है, बहुत खराब डाटा है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग पढ़ना है, पढ़ लीजिए भैया, हम लोग काम पढ़ाना आपको है, कहना है, हम कहते हैं आपको, हम पढ़ाते हैं, अब मर्जी आपकी है, पढ़े मत पढ़े, लेकिन पढ़ेंगे तो फायदा पूरा होगा, पढ़ेंगे आप नौकरी पाएंगे, आपके अपने घर बढ़िया से घर चलाएंगे, सब आपके लिए है, हम लोग सिर्फ आपको पढ़ाते हैं कि आप लोग पढ़िए, पास हुई और नाम कीजिए। ठीक दोस्तों, तो आप लोग थोड़ा हमारे बारे में कमेंट कीजिए, इस जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, सर क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, आप झूठ बोलते हैं सही बोलते हैं, तो हमको थोड़ा विश्वास हो, बच्चे पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, मेरी गारंटी है कि निम्न जो क्वेश्चन दोस्तों है ये आपको जो है हर परीक्षा में आएगा, किसी में ये नहीं किसी में आएगा टीआई में, आप कहीं जाएंगे ना कोई टेस्ट देने, एनटीपीसी चाहे रेलवे, आर्डेंस फैक्ट्री, गन फैक्ट्री, हाँ दोस्तों ईपीसीएल, आरबीएनएल, कहीं जाएंगे टोटल क्वेश्चन आता निम्न से, तो हम लोग निम्न पढ़ा रहे आपको। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, कितना 28, शीतलक किस प्रकार के स्नेहन के रूप में कार्य करता है, क्या बोल रहा है, शीतलक किस प्रकार का स्नेहक के रूप में कार्य करता है, पहला ए धूल ले जाने के लिए, बी उष्मा दूर ले जाने के लिए, सी नमी दूर ले जाने के लिए, डी सूखापन दूर करने के लिए। तो दोस्तों राइट आंसर होगा बी, उष्मा दूर ले जाने के लिए शीतलक का जो स्नेहक रूप कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 29, कितना 29, समान उपयोग ए तीन प्रकार की स्नेहन प्रणाली कौन सी है, क्या बोल रहा है, समान उपयोग में तीन प्रकार की स्नेहन प्रणाली कौन सी है, पहला है ए फोर्स फीड सिस्टम, स्पीड फीड सिस्टम, फ्रिक्शन फीड सिस्टम, बी वेलोसिटी फीड सिस्टम, स्पीड फीड सिस्टम, फ्रिक्शनल फीड सिस्टम, सी ग्रेविटी फीड सिस्टम, फोर्स फीड सिस्टम, स्प्लेस फीड सिस्टम, डी है स्प्लेट फीड सिस्टम, फ्रिक्शनल फीड सिस्टम, स्पीड फीड सिस्टम। दोस्तों का जो राइट आंसर है सी है, क्या है, सी ग्रेविटी फीड सिस्टम, फोर्स फीड सिस्टम, स्प्लेट फीड सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, यदि घर्षण गुणांक 0.4 है तो 1000 किलोग्राम का द्रव्यमान के पिंड को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक बल क्या है, मान लें कि 1 केजी पर 10 एन, पहला ऑप्शन ए 4000 एन, बी है 400 एन, सी है 40 एन, डी है 4 एन। दोस्तों राइट आंसर होगा ए 4000 एन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, 31 नंबर, घर्षण गुणांक क्या है यदि 35 किलो द्रव्यमान के शरीर को स्थानांतरित करने के लिए 30 एन के बल की आवश्यकता होती है, मान लीजिए 1 किग्रा बराबर 10 एन, पहला ऑप्शन ए है 8.57, बी है 0.082, सी है 0.0857, डी है 0.0085। तो इसका राइट आंसर है सी 0.0857। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यदि m बराबर 0.24 है तो 20 किग्रा भार वाली वस्तु को स्थानांतरित करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होती है, पहला ऑप्शन है 4.8 केजी, बी है 83.3 केजी, सी है 1.2 केजी, डी है 0.48 केजी। दोस्तों राइट आंसर आपका होगा ए 4.8 केजी। ठीक दोस्तों, तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए दोस्तों, इसको आप लोग जो है बढ़िया से लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि टाइम बहुत कम बच गया है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ शॉर्टकट, इसकी जो आपको है लाइव वीडियो जो पक्का करेंगे एक्सप्लेन मार्शल हमारे एग्जाम बाद करेंगे आपको, क्योंकि टाइम बहुत कम बच गया दोस्तों, है काफी चैप्टर है, इम्प्लीमेंटेशन स्किल भी है, थ्योरी भी है आपका, तो हम लोग को टाइम कम बचा है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे आप लोग को पूरा जो है लाइव क्लास लगाएंगे, इस जितने पढ़ाए आपको मैं हूँ अभी चल रहा है, बहुत शार्ट चल रहे हैं, बस क्वेश्चन आंसर, क्यों लोग पढ़ लेंगे, टाइम है किसी पास, सब व्यस्त लोग हैं, इसलिए मैं बहुत चल रहा हूँ, शार्ट चल रहा हूँ,
जो बता रहा हूं क्वेश्चन आंसर याद करिए दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। यदि घर्षण गुणांक 0.0125 है तो किसी वस्तु का कितना भार 30 किलोग्राम बल द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। पहला है ए 80 केजी, बी 2430 केजी, सी है 72000 केजी और डी है 2400 केजी। ठीक दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा हमारा देख लीजिए आप लोग। दोस्तों इसका ऑप्शन होगा डी 2400 केजी। दोस्तों आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 34। यदि 150 किलोग्राम भार संतुलन में है तो m का मान 0.5773 है तो झुकाव का कोण क्या होगा। पहला है 30 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री। दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ए 30 डिग्री। आप लोग बढ़िया से पढ़िए दोस्तों, कितना आसान क्वेश्चन आ रहा है आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत कम टाइम में पढ़ लीजिए दोस्तों, नहीं पछताओगे कि मैं पढ़ाया था नहीं कहा था मैं, और मैं बीच में बोल भी दिया हूं इससे नहीं आएगा सीरीज से तो मैं आपको फिर से भरूंगा सीबीटी एग्जाम 376 ₹450 और मेरा चैनल बंद कर दूंगा आपको, मेरा दावा है। तो लोग पढ़िए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। एक क्षैतिज मेज पर पड़ी 20 किलोग्राम वस्तु को सरकाने के लिए कितना बल लगता है। यदि m का मान 0.2 है तो पहला ऑप्शन है 2 केजी, बी 3 केजी, सी 4 केजी और डी 5 केजी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी 4 केजी, मतलब 4 केजी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। यदि घर्षण गुणांक 0.24 के साथ 20 किलोग्राम की वस्तु को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक बल क्या है, मतलब बोल रहा है कि 20 किलो वस्तु को हम लोग हटाएंगे तो उसका बल क्या होगा। नंबर ये होगा, पहला होगा ए 4.8 केजी, बी 0.48 केजी, सी 0.048 केजी, डी 0.0048 केजी। दोस्तों इसका होगा आंसर राइट हुआ 4.8 केजी। समझ में आ गया, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 37। 400 किलोग्राम भार को 40 किलोग्राम बल द्वारा खींचने के लिए घर्षण गुणांक क्या है। क्या बोल रहा है, 400 किलो भार को 40 किलो बल द्वारा खींचेंगे तो घर्षण गुणांक क्या होगा। ऑप्शन ए है 0.01, बी 0.2, सी 0.1, डी 0.02। तो राइट आंसर हमारा होगा सी 0.1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। एक क्षैतिज सतह पर 40 किलोग्राम के बल द्वारा 80 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को स्थानांतरित मतलब हटाने के लिए करने के लिए घर्षण गुणांक कितना होगा। पहला ऑप्शन है 0.05, दूसरा बी है 0.5, सी ऑप्शन है 0.65, डी है 0.45। दोस्तों राइट आंसर होगा क्या होगा, बी 0.5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39। किसी पिंड का भार कितना होगा जिसे 0.25 के घर्षण प्रतिरोध के विरुद्ध 50 किलोग्राम के क्षैतिज बल द्वारा स्थानांतरित किया जाएगा। पहला ऑप्शन है 150 केजी, दूसरा 200 केजी, सी 250 केजी, डी 300 केजी। दोस्तों इसका आंसर राइट होगा बी 200 केजी। अब चलते हैं दोस्तों अगला हमारा है लास्ट क्वेश्चन, कितना 40, मतलब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 40 मतलब 40 क्वेश्चन। दोस्तों मैं इतना बता दिया आप लोग को हूं कि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम मिलेगा। आप लोग कमेंटिंग कर रहे हैं किसका क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ा रहे हैं आप लोग, दुख होता है दोस्तों। मतलब उतना परेशान होते हैं आप लोग, पढ़िए आप लोग, पढ़ के हमको नहीं दोगे न किसी को दोगे आप, न किसी ने दिया आज तक है, काम रहा है पढ़िए आप लोग, नंबर बढ़िया पाएंगे कहीं जाएंगे नौकरी पाएंगे तो आप अपने घर देंगे, हमको नहीं देंगे दोस्तों। कहीं मिल जाएंगे तो मुझे घुमा लेंगे, अरे कहीं इसको चाप नहीं, आप लोग बढ़िया पढ़िए, मुझे पढ़ाना आप लोग को है, मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ कि पैसे दो हमको अकाउंट डालो, कुछ नहीं, मेरा जो है शौक है आप लोग पढ़ाने के लिए, मैं जब इतना करता हूँ 50 करोड़ होके, अब तो नए अभी हो पता नहीं कौन कौन पढ़े बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड पढ़े, आप लोग पढ़ाई में तो कुछ नहीं है, आप लोग पढ़िएगा
एकदम पास होना दोस्तों नौकरी मिल जाएगी, नहीं पढ़ेंगे नहीं पास होंगे। ठीक दोस्तों, वो हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। क्यों? क्योंकि पढ़ाया था पहले मैं फर्स्ट ईयर में, अच्छा बच्चे पास हुए हैं, कमेंट किया सर आपका जो है 40 में 30 आ गया है, 40 में जो है 35 आ गया है, हैं तो अच्छा लगता है। चलते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर है, किसी वस्तु के झुकाव का अनुमानित कोण क्या होगा। क्या बोल रहा है? किसी वस्तु के झुकाव का अनुमानित कोण क्या होगा यदि घर्षण गुणांक m बराबर 0.84 है, तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है 60 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 40 डिग्री, डी 30 डिग्री। दोस्तों राइट आंसर का होगा क्या होगा? सी 40 डिग्री। क्या होगा? सी 40 डिग्री। दोस्तों तो आप लोग को आज के इतना ही, धन्यवाद।